नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई दिन मंगलवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी के इस वीडियो ने अटकलों के बाजार को किया खारिज। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने लालू यादव से मुलाकात कर की ये अपील। प्रशांत किशोर ने राजद पर लगाए ये आरोप। आज से शुरू हो गई मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण यात्रा। संसद से मॉनसून सत्र में अपने निलंबन पर संजय सिंह ने लगाया आरोप। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी के इस वीडियो ने अटकलों के बाजार को किया खारिज। अभी हाल में ही चिराग पासवान और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब की मुलाकात चिराग पासवान से हुई थी। इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि हेना साहब चिराग की पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब इन्हीं अटकलों पर बात करते हुए हेना साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि मैं राजद की नेत्री हूं और राजद का जिस पार्टी से गठबंधन है मैं उस पार्टी के लिए हूं। दूसरे दल या अन्य तरह की फेसबुक और व्हाट्सएप पर झूठी खबरें जो चल रही हैं उसको मैं सिरे से खारिज करती हूं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं हेना साहब के परिवार की तरफ से कहा गया है कि यह वीडियो काफी पुराना है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने लालू यादव से मुलाकात कर की ये अपील। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने व अन्य मांगों को लेकर लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लालू यादव से इस समस्या को लेकर हल निकालने की अपील की। मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर चार मांगों को रखा, जिनमें पहला था स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। वहीं दूसरी मांग में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तीसरी मांग में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने वाले सभी आदेश को निरस्त किया जाए। साथ ही चौथी मांग में उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने वाले शिक्षकों पर बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है। नौकरी के बदले जमीन मामले में टली सुनवाई, 5 अगस्त को तय हुई अगली तारीख। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के मामले में फंसे लालू परिवार पर सीबीआई द्वारा दायर पहली चार्जशीट पर दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी। हालांकि यह सुनवाई अब टल गई। बता दें कि सीबीआई ने दायर अपने पहले चार्जशीट में लालू परिवार के कई लोगों को आरोपी बताया है, जिनमें लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी, मिशा भारती और अन्य लोग शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त को तय की गई है। प्रशांत किशोर ने राजद पर लगाए ये आरोप। दरभंगा पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, जिस शहर से लेकर गांव तक पथराव और उत्पात की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कहीं झंडे लगाने को लेकर तो कहीं जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी जब भी किसी गठबंधन में रहा है या सरकार में रहती है तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। यह हाल हम बिहार में देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में आशंका है कि कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि जो यहां का गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री के अधीन है। कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस शासन प्रशासन व्यवस्था पर नहीं है। सीएम अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लाभ में पड़े हुए हैं, कभी भागकर इधर तो कभी पलटकर उधर। जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाए, इसको जोड़े किसको हटाए, कैसे सरकार बचाए, कैसे कुर्सी बचाए, तो आपके पास समय कहां है कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा। बिहार में कांग्रेस मुसलमानों के बीच बना रही अपनी पकड़। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा चुका है। बता दें कि डॉक्टर शरबत जहां फातिमा बिहार में कांग्रेस की महिला विंग के नए प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन बिहार के साथ साथ देश के अन्य 5 राज्य आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और राजस्थान में भी किया गया है। अभी तक तो बिहार में यह पद अमिता भूषण संभाल रही थी, हालांकि उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर शरबत जहां फातिमा को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी बिहार में अपने विधायक दल के नेता पद से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को हटाकर शकील अहमद को पदभार सौंपा था। अब प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फातिमा को बैठाया गया। ऐसे यह बात की चर्चा देखी जा रही कि कांग्रेस इसके जरिए बिहार में मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ बना रही। सम्राट चौधरी ने हस्ताक्षर अभियान पर कही ये बात। भाजपा द्वारा इन दिनों बिहार में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। भाजपा के अनुसार बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र युवा आम जनता पर हो रहे दमन, लाठीचार्ज और 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादों को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। इसे लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जिला केंद्रों एवं मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रदर्शनी के जरिए 13 जुलाई को पुलिसिया कार्यवाही में कार्यकर्ताओं के ऊपर किए बर्बरतापूर्वक कार्यवाही को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आवाज उठाने पर भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर किए गए
पहले दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई को बदला बिहार की जनता लेगी। वहीं आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठना गलत है, छात्रों व शिक्षकों की आवाज उठाना गलत है, क्या चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गलत है। आज से शुरू हो गई मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण यात्रा। आज से निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी निकल रहे। इस निषाद आरक्षण यात्रा के दौरान मुकेश सहनी झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार सहनी इस यात्रा के माध्यम से निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हैं। अक्सर मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की मांग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अलग अलग हिस्सों में 25 जुलाई से 23 अगस्त तक वे आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा पर रहेंगे। गौरतलब है पार्टी के गठबंधन को लेकर सहनी साफ कर चुके हैं कि जो भी दल निषादों को उनका हक और आरक्षण देगा उनकी पार्टी उसी दल के साथ गठबंधन करेगी। मालूम हो कि अभी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ना तो इंडिया के खेमे में है और ना ही एनडीए के साथ है। सुशील मोदी ने कहा, सनकी तरीके से हांका जा रहा शिक्षा विभाग। जिस तरह से के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निर्णय ले रहे हैं, इसे लेकर पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। चाहे वो सियासी गलियारों में हो या शिक्षक इस विभाग के अन्य कर्मियों के बीच, यहां तक कि शिक्षा मंत्री खुद आरोप लगा चुके हैं के पाठक उनकी एक नहीं सुन रहे। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर के पाठक उन्हें इतना ही पसंद है तो उन्हें अपना सलाहकार क्यों नहीं बना लेते हैं। शिक्षा विभाग को सनकी तरीके से हांका जा रहा है, विभाग के मंत्री तक की नहीं चलती और नियम कानून से कोई वास्ता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लालू के सामने घुटने टेक कर खड़े हैं नीतीश। एनडीए की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छुपाने बताने लायक कुछ है ही नहीं, एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, अब यह सबको मालूम था और मेरी बैठक में जाने की चर्चा भी हो रही थी। आगे उन्होंने कहा कि हर बात बताना जरूरी होता है क्या, वैसे भी हमें कब बताना है, क्या बताना है, या तो हम तय करेंगे, समय आने पर सभी चीज़ें बताई ही जाती है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर किए गए ट्वीट पर हुए विवाद को लेकर उन्होंने बताया कि मैंने इसमें कहा था कि नीतीश कुमार जी दूसरे के बारे में बोलते हैं, खुद भी आजकल गलत सलत बोलने लगे हैं। नीतीश कुमार बोलते रहते हैं कि अगला अंडबंड बोलता है, जबकि सबसे अधिक अंडबंड तो वही बोलते हैं। यही नीतीश कुमार थे जो सीना तानकर राजद के पास खड़े होते थे, आज यही नीतीश कुमार लालू के सामने घुटना टेक कर खड़े हैं। पॉलिटिकल कारण से किसी के आगे नतमस्तक होना नीतीश कुमार के लिए सबसे खराब है। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के शासन व्यवस्था पर उठाए सवाल। महागठबंधन की सरकार और उनकी शासन व्यवस्था पर बीजेपी ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कहा गया कि चाचा भतीजा की सरकार पूरी तरह से पंगु हो चुकी है और सरकार शासन में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। अपराध की घटनाओं से पूरा बिहार कराह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। बेगूसराय में नाबालिग लड़की को सरेआम निर्वस्त्र किया गया। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 लोगों की हत्या, यह बता रहा है कि पूरा बिहार अराजकता की गोद में समा चुका है। जदयू सांसद के पुत्र को एम्बुलेंस का ठेका दिए जाने पर विजय सिन्हा ने की जांच की मांग। 13 जुलाई से राज्य में एम्बुलेंस चालकों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस चालकों के बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाए और जनहित में इनके हड़ताल को शीघ्र समाप्त करवाने के लिए सरकार पहल करे, साथ ही श्रम कानून के तहत पारिश्रमिक का निर्धारण कर इकरारनामा में अंकित किया जाए, वे इसका उल्लंघन करने वाले एजेंसी से वसूली की कार्यवाही की जाए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा ठप हो जाने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों से पटना के अस्पतालों में रेफर किए जाने पर मरीजों की लियाकत हो जाती है। आगे उन्होंने बताया कि जदयू सांसद के पुत्र ने एम्बुलेंस का ठेका लिया है, स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए इनको ठेका देने की जांच की भी मांग की गई थी, लेकिन नहीं माना गया। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों का दोहन और शोषण इनके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इनको बार बार हड़ताल पर जाना पड़ता है। सरकार शीघ्र इनके ठेका की जाँच कराए। मानसून सत्र से आप नेता संजय सिंह के निलंबन की कांग्रेस ने की निंदा। बीते दिनों आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को संसद के मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। संसद से संजय सिंह के निलंबित होने को लेकर कांग्रेस द्वारा इस फैसले की आलोचना की गई। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि पहली बार नहीं है कि कोई सदस्य सदन के बीचों बीच आया हो और सरकार ने संजय सिंह को निलंबन बहाल करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संजय सिंह बोलने उठे, यह पहली बार नहीं है कि कोई विरोध करने के लिए सदन के बीचों बीच आया है। कई प्रतिनिधि विरोध जताने के लिए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, अगर कोई संसद में बोलने आता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। मणिपुर में शांति बहाल करने को लेकर सीएम बीरेन सिंह ने कही ये बात।
मणिपुर में हो रही हिंसक घटना को लेकर राज्य के सीएम एन बेडन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि वे मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से विभिन्न पहलों पर काम कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं, व्यापारी समुदाय और नागरिक समाजों की मदद से विश्वास बहाली के उपाय जारी है। मालूम हो कि 3 मई से ही दो जाति मैतई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष भड़क उठा, जिसके बाद तमाम घटनाएं देखी जा रही है और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग अपने घर को छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर भी हो चुके हैं। संसद से मॉनसून सत्र में अपने निलंबन पर संजय सिंह ने लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के निलंबन को लेकर आप पार्टी के साथ साथ कई विपक्षी दल इसकी निंदा कर रहे हैं। किसी भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर संजय सिंह अपने इस निलंबन के बाद धरने पर बैठे गए, जिसके बाद रात होते होते उनके समर्थन में लगभग एक दर्जन सांसद उनके समर्थन में आ बैठे। अपने निलंबन और धरना पर बैठने को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए 27 सांसदों ने नोटिस दिया था, लेकिन किसी पार्टी को बोलने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उन्हें टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। बीजेपी से पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना। विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिल्कुल दिशाहीन है, आज तक के इतिहास में ऐसा विपक्ष नहीं देखा है। बता दें कि पीएम मोदी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया नाम रखना ही सब कुछ नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इंडिया था, यहाँ तक कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम से भी इंडिया आता है, मगर इसका कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान में विपक्ष हताश और बिखरा हुआ दिख रहा है। आगे उन्होंने सांसदों को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है, विपक्ष जो कर रहा है उसे करने दे और सांसद व नेता अपने काम पर ध्यान दे। साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे अरसे तक सत्ता में आने के लिए इच्छुक नहीं लग रहा, उनकी इच्छा सिर्फ विपक्ष में रहने की ही बनी हुई है। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है श्याम बाबू रॉय, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, संसद के मॉनसून सत्र से आप नेता संजय सिंह को निलंबित करना क्या सही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।